एक बार महाराज जी कानपुर के सरसैया घाट पर गए थे। उनके साथ श्री भगवती सेवक वाजपेयी, श्री गिरीश चंद्र जोशी और एक वरिष्ठ अधिकारी का चपरासी था। इस घाट के सामने गंगा जी में एक शुष्क टापू था। महाराज जी ने उस टापू पर जाने की इच्छा व्यक्त की। चपरासी ने बाबा जी से कहा कि उस टापू पर जाना उचित नहीं है, क्योंकि बदमाश लोग उस टापू पर अवैध शराब उतारते और बेचते हैं। बाबा जी ने चपरासी की बात नहीं मानी और टापू पर जाने के लिए नाव मंगा ली। जब बाबा जी की नाव टापू के पास पहुंची तो बदमाशों ने नाव की ओर बंदूकें तान ली, ललकारा और कहा, कौन है? बाबा जी महाराज ने गर्जती आवाज़ में उत्तर दिया, बाबा जी जब उस टापू पर उतरे तो सारे बदमाश नतमस्तक हो गए। बाबा जी वहाँ शौच गए। चपरासी ने लोटा साफ किया। कुछ देर वहाँ विश्राम करने के बाद बोले, आज ग्रीस का उपवास है, यह भूखा है, जा गंगा मैया से एक लोटा दूध मांग ला, इसे पिला दे। चपरासी गंगा जी से लोटे में पानी भर लाया और वह पानी दूध बन गया था। ग्रीस जी उस स्वादिष्ट दूध को पीकर तृप्त हो गए।